वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाखेदार मजेदार मलाई चिकन पकौड़ा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पाउंड यानी आधा किलो के आसपास चिकन है, जो कि छोटे छोटे पीसेस में कर दिए, बिल्कुल छोटे छोटे। तो इसको अब हम मैरिनेट करेंगे आधा टीस्पून लाल मिर्च और क्वार्टर टीस्पून नमक से, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे नींबू, तो तकरीबन एक डेढ़ टेबल स्पून के आसपास डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले से भी ये करके रख सकते हैं, और अगर चाहें तो मेरी तरह एक साथ भी कर सकते हैं। नींबू डालने से एक तो चटपटी बनेगी और दूसरा ये कि चिकन टेंडर और मॉइस्ट बनेगी। तो चले ये तो हो गया, और अब हम बेसन की तरफ आते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास बेसन है जो कि है डेढ़ कप, इसको हम छान लेंगे। छान लेने से क्या होता है, घोल बड़े फास्ट बन जाता है और अच्छा बन जाता है। और साथ ही इसमें डाल देंगे चार टेबल स्पून भर के चावलों का आटा, इससे क्रिस्पीनेस आएगी। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1/8 टीस्पून बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, बिल्कुल टच डालने से क्रिस्पी बनेंगे, अच्छे बनेंगे। और ज़्यादा डाल देने से क्या होता है कि तेल पी जाते हैं पकौड़े, तो ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो चलो इसको छान लेते हैं। वैसे तो हम सभी पकौड़े बड़े शौक से खाते हैं बारिश के मौसम में, और वैसे भी जब भी खाते हैं मूड बड़ा चटपटा सा हो जाता है। तो इसमें ये आप मलाई पकौड़े जब आप बनाएंगे तो ओहो हो डबल मज़ा क्रिएट हो जाएगा। इसको टुगेदर कर लेते हैं, और अब इसके अंदर हम कुछ मिर्च मसाले डालेंगे, जो कि कुछ यूं है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स, जैसे कि 1 बड़ा हैंडफुल हरा धनिया, 2 टेबलस्पून के आसपास रेड बेल पेपर, कलर के लिए डालिए छोटी छोटी डाइस कर लिए, और ये मेरी 2 हरी मिर्चें थी हालोपिनोस, जो कि तेज़ नहीं है। अब आप अपनी मर्जी से तेज़ हो तो कम डाल दें और ना तेज़ हो तो ज़्यादा डाल दें। तो ये सब डाल देंगे। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के आसपास नींबू, इससे बड़ा मज़ेदार सा बनेगा। ये हो गया, और अब इसको हम मिक्स करते हैं। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा गाढ़ा सा एक बैटर बनाएंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे, ये देखें इतना गाढ़ा भी बनाएंगे, क्योंकि जो हमने चिकन मैरिनेट की थी ना उसमें भी जूसेस रिलीज हुए होंगे। तो पहले उसको डालेंगे, और अगर ज़रूरत लगी तो थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। देखें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पानी की, ये बिल्कुल जो हमें बाइंडिंग चाहिए थी एग्जैक्टली वैसी ही है। और इसमें हमारा पानी यूज़ हुआ है 3/4 कप यानी 12 टेबलस्पून के आसपास। तो ये देखिए बड़े अच्छे से मिक्स हो गया है, मज़ेदार सा लग रहा है, कलरफुल। और यहाँ हमने तेल एडवांस में ही रख दिया था, और ये देखिए गर्मा गर्म है, हाथ लगाओ तो अच्छी सी हीट आ रही है, इस तरह से आनी चाहिए, हद से ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे पकौड़े की होती है इसी तरह से। तो बस चले अब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। अब आप चाहें तो हाथ से बनाएं, चम्मच से बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से भी बनाना हो बनाएं।
पर बनाए। जितनी जगह है इतना डाल देंगे। तो बस ये हमारा जो है दो बैच में हो जाएंगे। अब डालने के बाद 2-3 मिनट, तो जैसे पूरा डाल भी दिया ना, तो उसके अनदर 2-3 मिनट तक टच ही नहीं करेंगे, और उसके बाद खूब फ्रीली खेलेंगे इसके साथ, संभल के लेकिन तेल है। लेकिन उसको घुमाएंगे, फिराएंगे, टहलाएंगे, जो भी करना होगा करेंगे। देखें 2-3 मिनट हो गए, अब इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। फ्लेम जो है हमारी मीडियम हाई है, और गरम भी मीडियम हाई पे ही किया था, तो अब इसे हम 3-4 मिनट तक और भी फ्राई करेंगे। देखें इसके जाग जो है वो बहुत कम हो गए हैं, तो ये निशानी है कि हमारे पकोड़े हो गए हैं। तो ये देखें बिल्कुल भी ग्रीस नहीं है। अगर राइट टेम्परेचर पे बनाएंगे तो कभी भी ग्रीसी पकोड़े नहीं होंगे। नंबर 2, सोडास जो है ना, जो ज़्यादा डाल देते हैं ना, उससे तेल पिए हुए पकोड़े बनते हैं, वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब दोबारा से वही वाला टेम्परेचर आ जाए उसका हम वेट करते हैं। कभी कभी किसी का बहुत हाई हो जाता है, बन बन के थोड़ा स्लो करना पड़ता है, लेकिन आम हालात में ऐसे होता है कि जब बैच निकल रहा होता है, जब हम चम्मच खूब चला रहे होते हैं ना, तो वो ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट करना होता है, 30-40 सेकेंड वेट करके नेक्स्ट बैच डालेंगे। अब ये जो है चूल्हा स्लो करते हैं, और इस खतरनाक पैन को उठा के पीछे रखते हैं। चले अब एक अनदर पैन लेंगे, चूल्हे को तेज करेंगे। तो सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के तेल। तेल गरम हो गया है, तो इसमें अब हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, और यहाँ हमारे पास है हरी मिर्च, जो कि एक है, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर दिया है। इसको सॉटे करेंगे। ये तो राइट टाइम पे मैं मलाई पकौड़े बना रही हूँ, अचानक से इतना अंधेरा हो गया, मैंने देखा भी नहीं, और बादल ऐसे गिर जाए, गिव मी मलाई पकौड़ा, गिव मी मलाई पकौड़ा, ऐसा लगा मुझे। चले 1 मिनट के आसपास हो गए इसे हमें भूनते हुए, तब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून मैदा, और इसको रोस्ट कर लेंगे इसके साथ ही। फ्लेम हमारी मीडियम हाई है, मैदे को अच्छे से भून लेंगे, जलने नहीं देंगे। देखिए खुशबू आने लगी, मैदा हमारा अच्छे से भून गया है। तब इसमें हम डालेंगे फुल फैट 2 कप दूध, मिला लेंगे अच्छे से, और अब साथ ही इसमें घर में जो मलाई होती है ना, वो डाल देंगे 4 टेबलस्पून, जो गाढ़ी गाढ़ी होती है ना वो, मेरे पास तो है नहीं, मैं ये डाल दूंगी क्रीम। तो ये हमारा कैन ऑलमोस्ट 8 औंस के आसपास है। ये बड़ा इजी रहता है ये क्रीम, क्योंकि एक तो इसको फ्रिज की ज़रूरत नहीं है, खोल ले तब भी कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा बच गया तो फ्रीज़र में रख दें, बड़ा हैंडी रहता है ये क्रीम, और ना लेने जाना पड़ता है कि भाई अर्जेंट क्रीम चाहिए तो लेकर आओ। तो बेसिकली वो सबके घर में जो दूध आता है तो वो मलाई होती है ना, तो इसी तरह ये हमारे लिए मोस्ट हैंडी है। तो बस इसे हम इतना कुक करेंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। देखिए ये मिक्सचर जो है हमारा गाढ़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तब इसमें हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून चिकन पाउडर, यानी नोर या मैगी की 1 चिकन क्यूब, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून अनियन पाउडर, ना हो तो स्किप करें, 1/4 टीस्पून लहसुन का पाउडर, अगर 1 जवा या लहसुन डाल सकते हैं, और 1/4 टीस्पून नमक, तो ये डाल देंगे।
अब अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कितना मजे का लग रहा है, रिच एंड क्रीमी। ये आसपास जाग जाग आना शुरू हो गए, ये इस बात की अलामत है कि बड़ा अच्छा से पक गया है और अच्छी सी थिकनेस आ गई है। तब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हमारे पकौड़े और चूल्हे को बंद कर देंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब इस पर हम डालेंगे एक हरी प्याज का हरा वाला पार्ट, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आहा हा, देखें कैसा यमी लग रहा है। चले अब डिश आउट करते हैं। अब क्या है, एक साइड पे हमने थोड़ा सॉसी रखा है और एक साइड पे कम रखा है, जिसको जो अच्छा लगे। और अब ये जो हरी प्याज जो बची है ना, वो डाल देंगे। तो देखा कैसे झटपट हमारे खतरनाक से मलाई पकोड़े बन गए, और बारिश को भी पता चल गया और आ गई कि ये मैचिंग होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा। ये देखें, दबंग। फ्लेवर, टेक्सचर, खतरनाक, सुपर खतरनाक। और मेरे हस्बैंड तो इसके साथ बंस खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ क्या मतलब, ये तो रूखे खाने के आइटम है। नहीं, तो मैंने सोचा चावल के साथ भी अच्छी लग सकती है। बहरहाल जिस तरह से भी खाना हो, खाएं रूखा, खाएं चावलों के साथ, खाएं रोटियों के साथ, खाएं, लेकिन खाएं। और ये बड़ा सा पॉइंट खतरनाक सा आप लोगों के लिए, मलाई में डाल के फ्लेवर, टेक्सचर, खुशबू, सब माइंड ब्लोइंग। क्राउड के लिए भी बहुत अच्छा है। ये सारे पकौड़े बना के रख लिए और लास्ट मिनट पे जब वो आ रहे हों तो मलाई भी बना के रख लें, लास्ट मिनट पे मिक्स कर लें, मज़ा आ जाएगा। बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएँ, खूब मज़े करें, धमाल मचा दें। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।